नमस्कार दोस्तों, आज हम BSc फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कार्डेट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। प्रोटोजोआ शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है प्रोटोस, दूसरा है जोन्स। प्रोटोस विच मीन्स फर्स्ट, जोन्स विच मीन्स एनिमल्स। मीन्स प्रोटोजोआ के फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, फर्स्ट टाइप के एनिमल या पहले एनिमल होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल होते हैं, या इस धरती पर बनने वाले पहले जो जीव होते हैं वो प्रोटोजोआंस या प्रोटोजोआंस कहलाते हैं। और इन प्रोटोजोआंस को प्रोटोजोआ फाइलम में रखा गया है। फर्स्ट स्टडीड बाई लुएनहॉक। प्रोटोजोआ पहली बार स्टडी किया गया था एंटोनियो लुएनहॉक के जरिए इन 1677 में। प्रोटोजोआ वर्ड क्वाइंड बाई गोल्ड फस इन 1817। प्रोटोजोआ शब्द गोल्ड फस के जरिए दिया गया था 1817 में। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। और इस प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत लगभग 50,000 स्पीसीज आती हैं एनिमल्स की, जिनमें से कुछ एक्सटिंक्ट हैं और बहुत सारे लिविंग्स हैं। तो आइए देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स, जिनमें फर्स्ट है मोस्टली प्रीलिविंग्स, एक्वाटिक इन फ्रेश वाटर, सी वाटर्स एंड डैम प्लेसेज, सम आर पैरासिटिक एंड कमेंसल। ये ज़्यादातर प्रीलिविंग्स होती हैं, स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, सी वाटर में पाई जाती हैं और कुछ सड़ी गली जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पैरासिटिक होते हैं और कमेंसल होते हैं। पैरासिटिक मीन्स इनमें कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे जीवों के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ कमेंसल मीन्स इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं दूसरे जीवों के अंदर सर्वाइव करते हैं या दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ लाभ पाते हैं। सेकेंड है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, नॉट विजिबल विदाउट ए माइक्रोस्कोप। ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और नंगी आँख से या नेक्ड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। इनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सिंपलेस्ट मोस्टली प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी सिंपलेस्ट होते हैं, मोस्टली जितने भी एनिमल इस धरती पर पाए जाते हैं उनसे प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, शुरुआती टाइप के जीव होते हैं। और इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या बॉडी की जो बनावट होती है वो बेस्ड होती है प्रोटोप्लाज्म के बेस्ड पर होती है। हम कह सकते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। ए सेलुलर और नॉन सेलुलर कहलाते हैं। ए सेलुलर मीन्स इनकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल के जरिए बनी हुई होती है और सिंगल सेल ही विभिन्न तरीके की आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। विभिन्न तरीके के शरीर के अंदर जो इनकी क्रियाएं होती हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से इन्हें ए सेलुलर कहा गया है। जिस तरीके से हमें जानते हैं कि कोई भी हायर एनिमल से मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है, जिनमें अगर उसकी हम छोटी से छोटी यूनिट्स को जानते हैं तो जिन्हें हम सेल कहते हैं, और उसी तरीके से इनमें भी एक तरीके से इनकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल के जरिए बनी हुई होती है, इनको हम डिवाइजिबल नहीं होती है। और यही सिंगल सेल विभिन्न तरीके की एक्टिविटी जैसे रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन आदि की क्रियाएं करती हैं, जिनकी वजह से इन्हें एसेलुलर एनिमल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बॉडी यूनिसेलुलर कंटेनिंग वन आर मोर न्यूक्लियाई। जो इनकी बॉडी होती है हमने पहले ही बताया कि इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल के जरिए या यूनिक सेल के जरिए बनी हुई होती है, और इनकी बॉडी में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस मोनोमार्फिक, डाइमार्फिक भी हो सकते हैं। मोनोमार्फिक मीन्स सिंगल टाइप के या एक ही टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, डाइमार्फिक या दो तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम में एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट है
सॉलिटरी आर फार्मिंग लूज कॉलोनीज। ये सॉलिटरी होते हैं, पूर्णतया जहाँ पाए जाते हैं स्वतंत्र अकेले पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। सॉलिटरी मीन्स अकेले पाए जाने वाले एनिमल्स। और फार्मिंग लूज कॉलोनीज, ये अगर कॉलोनी में भी पाए जाते हैं तो इकट्ठा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दूरी दूरी पर अटैच होकर के एक तरीके का कॉलोनी बनाते हैं जिनमें रहते हैं। बॉडी सिमेट्री नन, बायलेटरल रेडियल और सिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो है बॉडी सिमेट्री, इनमें या तो नहीं पाई जाती, अगर पाई भी जाती है तो ए सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है जिनमें बायलेटरल होती है, रेडियल होती है, स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट है बॉडी नेक्ड आर बाउंडेड बाई पेलकिल्स व्हिच प्रोवाइड शेप एंड साइज। जो बॉडी इनकी होती है या तो नेक्ड होती है और नहीं तो ये पेलकिल एक लेयर होती है इनकी बॉडी को कवर्ड करती है, जिनकी वजह से इनको शेप मिलता है, साइज मिलता है। और कुछ एनिमल्स में यही पेलकिल्स मिल करके हम कह सकते हैं कि सेल्स या एक जो स्केल्टन का भी फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटी सच एज एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। इनकी सिंगल सेल्ड बॉडी विभिन्न तरीके की आवश्यक और सूक्ष्म एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, मीन्स करती हैं। इसमें जैसे एक्सक्रीशन हुआ, उत्सर्जन हुआ, रिस्पायरेशन हुआ, शोषण हुआ, डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, जनन हुआ, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है ये शो करती हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर शो करती हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन बाई सूडोपोडिया, फ्लैजला, सीलिया और एब्सेंट। इसमें जो लोकोमोशन होता है सूडोपोडिया के जरिए होता है। सूडोपोडिया के जरिए लोकोमोशन, जैसे कि हम ये जानते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अमीबा, जिनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके जरिए जिस साइड में मूव करना होता है उधर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लैजला, फ्लैजला मोस्टली हुप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है यूग्लेना में, जिनके जरिए मूवमेंट होता है। और सीलिया, जो कि जानते हैं मोस्टली कॉमन है पैरामीशियम में, ढेर सारे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके जरिए इनमें एक तरीके से मूवमेंट होता है, जिनके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूवमेंट करते हैं या जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रोटोजोआंस होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जैसे स्पोरोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें पूरी तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन, होलोजोइक एनिमल लाइक, होलोफिटिक प्लांट लाइक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। जो इनमें पोषण होता है होलोजोइक होता है जो कि एनिमल लाइक कहलाता है, होलोफिटिक होता है जो कि प्लांट लाइक होता है, सेप्रोजोइक या पैरासिटिक होता है। होलोजोइक मीन्स जंतु के जैसा, होलोफिटिक मीन्स पौधों के जैसा। होलोजोइक इज सॉलिड या हम कह सकते हैं ठोस या सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस फूड मटेरियल को सूडोपोडिया के स्ट्रक्चर के जैसा फॉर्मेशन करते हैं और उसको उस फूड मटेरियल्स को इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम होलोजोइक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड सेमी सॉलिड लाइक मटेरियल को डायरेक्ट इनटेक कर लेते हैं उसी को हम होलोजोइक कहते हैं, जबकि होलोफिटिक इनमें ये प्लांट के जैसा मीन्स पौधे जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं जिन्हें हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोजोइक ये कुछ सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक कुछ दूसरे जीवों के अंदर रह करके उनसे अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं कि मोनोसिस्टिस, ट्रिपैनोसोमा एनिमल्स, ट्रिपैनोसोमा और ये ट्राइकोनिम्फा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआंस है ट्राइकोनिम्फा, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में विभिन्न तरीके के कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाने वाला एनिमल है, जिनमें पूछा जाता है कि ट्राइकोनिम्फा किस एनिमल की गट में पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है डाइजेशन आकर इंट्रासेलुलर इनसाइड फूड वैक्यूल्स। डाइजेशन जो होता है इनमें इंट्रासेलुलर होता है फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में ये ओरल ग्रुप्स या ओरल लाइक स्ट्रक्चर से फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं और फूड मटेरियल
फूड वैक्यूल में कलेक्ट होता है। फूड वैक्यूल में विभिन्न तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और यही डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनमें जो रिस्पायरेशन होता है, श्वसन जो होता है, उत्सर्जन जो होता है, ये बॉडी सरफेस के जरिए होता है। इनमें रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन होती है सराउंडिंग वाटर में डिजॉल्व होती है, वो जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बॉडी के अंदर कर ली जाती है। और एक्सक्रीशन जो विभिन्न तरीके के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कलेक्ट होता है और या एक्यूमुलेट होता है और जनरल बॉडी सरफेस से टच्ड होता है और डिफ्यूज हो जाता है सराउंडिंग वाटर में। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद करते हैं। अगर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर इनकी बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो उसी वाटर को एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी के आउटसाइड में एक्सपेल्ड कर देती है। इस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विच एक्सपेल्ड आउट टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन या जन्म। ये दो तरीके का होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के जरिए होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट या कंजुगेशन के जरिए होता है। दो एडल्ट एनिमल्स एक दूसरे से कंजुगेट होते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इंसिस्टमेंट कॉमनली अकर्स टू हेल्प इन डिस्पर्सल एज वेल एज टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ फूड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इनमें इंसिस्टमेंट होता है जो कि इनको मदद करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स होने में या बिखरने में मदद करता है, और उसके साथ ही इनको बचाता है या सुरक्षित रखता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मीन्स इनके विपरीत परिस्थितियां होती है, जैसे भोजन की कमी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर की कमी होती है या पानी की कमी होती है, तब ये इनमें इंसिस्टमेंट होना चालू हो जाता है जिनकी वजह से अपने आप को सर्वाइव करती हैं। तो इस तरीके से ये हुआ प्रोटोजोआ फाइलम के इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिनसे लॉकडाउन में जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं उनको ये स्टडी मटेरियल्स मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।